गुड इवनिंग फ्रेंड्स. एक्चुअली आज मैं थोड़ा मेरे पास एक लेजर टाइम था, लगभग एक से डेढ़ घंटे का. एंड आई वॉज जस्ट रोमिंग अबाउट विथ माई बाइक. सो अचानक से मुझे भूख लगा एंड एन आइडिया केम टू माई माइंड दैट जब मैं नया कुछ ट्राई कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं हर वक्त सेम चीज नहीं खाता हूँ. मतलब कहीं भी जाता हूँ, कोई भी सिमिलर रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ, तो सेम चीज बार बार नहीं खाता हूँ. मैं जस्ट एक्सप्लोर करता हूँ कि कौन सा आइटम मेरे को बेस्ट लगता है. So what happened is that I explored something new, and ये है कि सेंट्रम के पीछे जो चिक ब्लास्ट, then the पेपरी एंड अनारकली और वगैरह वगैरह एक दो स्टोर्स है, प्रदीप चाट एंड ऑल. सो वहां पे मैंने सोचा था आज अनारकली का एक छोटा सा फूड रिव्यू करूंगा मैं, एक मील का स्पेशली. सो what happened was that अनारकली was closed today, and मैं गया था चिक ब्लास्ट. सो वहां मैंने पूछा कि विच विल बी द बेस्ट बर्गर्स ऑफ योर मेनू, मतलब बेस्ट कौन सा वाला रहेगा इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, लुक्स, एवरीथिंग. सो दे सजेस्टेड मी दैट सर आप एक काम करो, चिकन टावर बर्गर ले लो. सो उसमें जो डिफरेंस रहता है, देखो चिक ब्लास्ट जो है दैट इज वन ऑफ द ओनली स्टोर्स इन आसनसोल दैट हैज मीन्स कॉपीड केएफसी टू 80% एक्सटेंट. मतलब केएफसी का टेस्ट उनसे 80% हद तक मैच करता है, एंड इन सम केसेस इट टेस्ट बेटर ऑल्सो. सो आज मैंने चिकन टावर बर्गर ऑर्डर किया था. सो इट बेसिकली इट कॉस्ट ₹150. उसके साथ मैंने एक्स्ट्रा चीज लिया ₹30, एंड एक्स्ट्रा स्पाइसी के लिए ₹10. सो टोटल वॉज 190, एंड फैंटा लिया था अलग से. सो बाकी वीडियो एंजॉय कीजिए, उसमें देखिएगा क्या क्या है क्या नहीं है. और या एंड माई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू अभी दे देता हूँ. सो गाइज फाइनली मेरा टावर बर्गर आ चुका है, एंड नाउ आई लेट यू नो दैट इसका टेस्ट मुझे कैसा लगा. एंड मतलब मेरे को बहुत दिन से खाने का मन था कि इसमें जो डबल, मतलब ये एक्चुअली सबसे प्रीमियम वाला बर्गर है यहाँ पे, जो दो दो पैटी के साथ आता है, दो पैटी, चीज, लेट्यूस एंड यू नो द अदर आइटम्स यूज्ड इन अ बर्गर. और ये कॉम्बो मेरे को पड़ा टोटल 230 का, एंड इसके साथ आप फ्राइज एंड एवरीथिंग ले सकते हो, टेस्ट सिमिलर टू KFC. तो चलो देखते हैं KFC से अच्छा है कि KFC से बेटर है, या बाकी बाद में बता रहे हैं. ओके गाइस, सो फाइनली अनरैप्ड इट, एंड देख के तो डिलीशियस लगा. बर्गर्स विद डबल पैटी, चीज एंड एक्स्ट्रा स्पाइसी. सो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं. एंड आई एम सॉरी दैट मैं ऑन कैम टेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज मेरा फ्रंट कैमरा पूरा टूट चुका है, एंड आई हैवन्ट बॉट माई ट्राईपॉड. एक्चुअली ये वीडियो प्लान नहीं था, इट वॉज दैट आई वॉज हंग्री एंड मेरे को कुछ खाना था, तो सोचा कि जब खा रहे हैं तब एक तो रिव्यू दे देते हैं, क्योंकि बार बार टावर बर्गर थोड़ी, क्योंकि हर बार अलग अलग आइटम ट्राई करना चाहिए. सो बताते हैं गाइस, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक्चुअली दिस बर्गर कॉस्टेड मी, आपको पूरा मैं प्राइस वाइज समझाता हूँ. ये बर्गर का एक्चुअल बेस प्राइस होता है ₹150. तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज ऐड करवाया 30 का, एंड आई मेड इट स्पाइसी बिकॉज मेरे को स्पाइसी खाना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है फॉर ₹10 एक्स्ट्रा. सो मेरे को टोटल ये पड़ा 190 का, एंड यही चिकन का जो क्वालिटी ये आपको न्यूजीलैंड में मिलता है, बिकॉज आई हर्ड दैट मतलब यहाँ पे इंडिया KFC में बस थोड़ा सा हल्का सा स्पाइस रहता है, बट जो न्यूजीलैंड या दूसरा कई कंट्री में रहता है उसमें पूरा स्पाइस से भरपूर रहता है चिकन. सो द चिकन इज ऑल्सो जूसी टेंडर, एंड आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू कम एंड ट्राई दिस वंस. मतलब सही में यार मजा आ गया, बिकॉज जिंगर बर्गर भी कॉस्ट करता है अराउंड ₹140, एंड एक्स्ट्रा चीज लो तो वो तो अलग है, एंड दिस वॉज गुड.
सो फाइनली एक्चुअली मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज आई अपोलोजाइज, मेरा फोन का ये जो है मैं अपने घर के सेकेंडरी फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड मेरा फोन का फ्रंट कैमरा शटर हुआ है, सो उस मतलब सो उस हिसाब से रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है. सो रियली सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज. एंड हाँ, तो द चिकन वॉज वेरी टेंडर, ठीक है, सॉफ्ट था, क्रंची था, स्पाइसी, तो मैंने उसको एक्स्ट्रा बनाया था. इट टेस्टेड ग्रेट, मीन्स ऑनेस्टली आई लव्ड इट. सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन, जस्ट एक बार ट्राई कर लेना यार, 190 रुपीज का बात है. या एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नॉर्मल मत लेना, जब इन्वेस्ट कर ही रहे हो सो जस्ट एड 40 रुपीज मोर एंड मेक इट अ कॉम्बो, लाइक सॉरी नॉट अ कॉम्बो, मतलब मेक इट ऑफ माई टाइप, बिकॉज मेरे को वो अगर हाँ स्पाइसी अगर पसंद नहीं है तो मत करना, लेकिन अगर स्पाइसी खाना पसंद है यू विल लव इट. द क्वालिटी ऑफ द बन, आई लव्ड इट. चिकन बहुत फ्रेश था, बहुत अच्छा था एंड ओवरऑल टेस्ट वॉज गुड एंड आई वुड रेट द बर्गर. मतलब आज तक ऑनेस्टली मैंने सबसे बेस्ट बर्गर खाया है चेन्नई में एंड केरला में. सो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आई वुड रेट इट अबाउट 8.5 out of 10. इट वॉज गुड. अगर KFC का जिंगर अगर तुम बात करो, सो नॉर्मल जिंगर जो बर्गर रहता है आई वुड रेट इट अबाउट 7 out of 10. स्पाइसी जिंगर जो रहता है आई वुड रेट इट अबाउट 7.5 upon 10. और ये जो मैंने रेटिंग दिया दिस इज 8.5 on 10. सो ऑनेस्टली आई लव इट. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को इतना अच्छा लग जाएगा. सो विल ट्राई मोर आइटम्स लाइक रैप्स एंड अदर थिंग्स. तो चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद है तो यार लाइक करना, क्योंकि मैंने ये लगभग मेरे 4-5 वीडियो में बोलता नहीं था, डायरेक्ट वीडियो ऑफ कर देता था ताकि मैं वीडियो लंबा ना खींच सकूं. तो यार तुम लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो अगर नहीं बोले तो. सो फॉर दैट टाइम डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, जाके ट्राई करो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर नए हो और कंटेंट पसंद आया.